हेलो माय वेरी डियर सी एमपरस एंड दिस वीडियो इज फॉर दो फाउंडेशन एग्जामिनेशन एंड अभी जून 24 फोर्थ के अटैम्प में अब लोग क्लियर नहीं कर पाए सो इफ यू कुडेंट क्लियर योर सी फाउंडेशन बहुत सारे सवाल होंगे मन में हमने कोर्स कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए अब क्या करे कैसे प्रिपरेशन करे वॉट वेंट रॉन्ग नहीं समझ में आ रहा है डीमोटिवेशन है हाउ टू प्रिपेयर सिंस एक्जामी अनाउंसड एंड रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा क्या एग्जाम फॉर्म फिर से भरना होता है लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन सेंड टू मी और वो सारे क्वेश्चन कंपाइल करने के बाद मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ सो वेकम बैक टू दैनल ऑफ आकाश अगरवाल दिस इज सी श्रुति अग्रवाल एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगा सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें हर छोटे छोटे पॉइंट इसके अंदर कवर किए हुए हैं जो आप लोगों को एक इंसाइट देगा कि अब आपने जो आपका डिसम्बर ट्वेंटी फोर का सी एम फाउंडेशन का एग्जाम है उसको किस तरीके से लीड करना चाहिए क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए कौन सी चीज़ आपने करनी चाहिए लाइक like डूज बोल लो डोंट्स बोल लो या वट एवर लैंग्वेज बोल लो आप स्ट्रैटेजी बोल लो इस वीडियो को बट इसके अंदर हर वो चीज़ का गाइडेंस है जो मुझे लगता है जो मेरे तक क्वेश्चन आए थे उसको कंपाइल करके अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई चीज मिस हो गई है कोई चीज आपको और पूछनी है तो यू मस्ट पुट इट इन द कॉमेंट बॉक्स और यू मस्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो ताकि मैं आपके वो क्वेश्चन का भी आंसर दे पाऊँ और आप समझ सको कि क्या गलती आप लोगों से हुई है एंड डोंट गेट डीमोटिवेटेड सबसे पहली चीज तो जो आप लोगों के मन में आई हुई है He, uh, you couldn't clear your exam and if you couldn't clear your exam there's a sudden heartbreak demotivation depression because a few of your friends might have cleared the exam and you couldn't so there is an instant comparison between you and your friend by yourself by your peers who are relatives hai, parents maybe so instant comparison come your mind it is natural hai. comparison is not wrong

सिंगल फेलियर या मैं ये भी कह लू आपसे आप दो या तीन बार दे दी हो, with a final defeat. आप अगर मल्टीपल तो पक्के से कुछ गलती हो रही है जो हमको एनालाइज करनी पड़ेगी अगर आप पहली बार फेल हो रहे हो तो भी ये वीडियो देखो वो वीडियो में हर वो चीज मैंने बताई हुई है जो आप लोगों के बहुत बहुत काम आएगी और यहाँ पे वो सारे आपके पॉइंट इकट्ठा करके लिखे हुए सबसे पहली चीज़ जो सिंगल फेलियर हो या मल्टीपल फेलियर हो आप समझो कि गलती क्यों हो रही है अगर हम डिनाइल के फेज में है डिनाइल का फेज मतलब क्या होता है डिनाइल का फेज होता है दैट यू नॉट रेडी टू एक्सेप्ट वॉट वेन ड्रॉ यू आर जस्ट लाइक कहते हैं ना आई एम बीन अनलकी मेरे साथ ही ऐसे होता है वो सारी जो बातें हैं ना जो हम एक सेल्फ सिंपथी के लिए यूज कर सकते हैं कि मेरे साथ ही ऐसे होता है मैंने तो सब किया था इंस्टीट्यूट ही कुछ तो कर रहा है मेरे नसीब ही नहीं है ये जो सारी बातें हैं मेक्स नो सेंस समझो प्रैक्टिकल रहो अंडरस्टैंड करो एनालाइज करो कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग बिकॉज जब तक आप ये एनालाइज नहीं कर सकते हो कि क्या गलत हो रहा है आप उसको ठीक नहीं करोगे ठीक नहीं करोगे तो जो फेल फेल देख रहे हो उसको पास कैसे देखोगे तो इसीलिए द फर्स्ट स्टेप टेक अ मोमेंट टेक अ फ्यू आवर्स सिट इन अ प्लेस वेन यू हैव अ पीस ऑफ माइंड एंड देन जॉट डाउन लास्ट फ्यू मंथ्स में व्हाट डन

ऐसा भी हो सकता है सभी सही किया था चार पाँच छः आठ मार्क के लिए आप रह गए हो ये भी एक केस हो सकता है मैं मानती हूँ प्रॉब्लम बट आप अंडरस्टैंड करोगे आप कौन से रेंज में फॉल कर रहे हो 120, 140, 160, 180, 190 प्लस सबके लिए रीजन अलग होंगे 190 प्लस में है उनका भी ऐसा कहना हो सकता है कि हमने सब किया है लेकिन पता नहीं क्या गलत हो गया कुछ तो गलत हो गया ठीक है लव फैक्टर एक, एक चीज होती है लेकिन उसके अलावा भी आपको अपने मिस्टेक्स और कुछ तो मिस्टेक मिलेगी नो वन इज परफेक्ट हर इंसान एवरी स्टूडेंट डजेंट डू ऑल द थ्री मंथ्स टू मंथ्स परफेक्शन के साथ पढ़ाई आपने कुछ गलती की है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अब एक बार समझ गए हो ना तो मेक थिंग्स राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं सोल्यूशन भी आपको देखो इसीलिए लिख के दे रही हूँ अब आप उस चीज को जो भी आपसे गलती है, उसको सही करो सही कैसे करेंगे अब मिस्टेक क्या हुई है आपने कम दिनों तक पढ़ाई की थी तो अब आपने प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए आपने प्रैक्टिस कम की थी आप सिर्फ रीड करके गए थे अब आप लोगों ने क्या करना चाहिए लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको टाइम नहीं मिला एग्जाम में तो टाइम मैनेजमेंट पे काम करो स्पीड पे काम करो क्विकली सॉल्व करो मैथ जैसे सब्जेक्ट में शॉर्टकट लगाओ आपको याद नहीं आ रहा था क्योंकि आपने ऐसा हो सकता है इनफ टाइम नहीं पढ़ा हो तो वट एवर इज मिस्टेक आप वो मिस्टेक को क्या करेंगे उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे ये रेक्टिफिकेशन कब से चालू होनी चाहिए पहले मिस्टेक आइडेंटिफाई करो शांत में बैठो लिख के लो राइट राइट इट इट डाउन डाउन नॉट अ प्रॉब्लम यू देन उसके ऐसे उसका सोल्यूशन लिखो जैसे मैं लिख रही हूँ मैंने यहाँ पे पहले लिखा कि पॉइंट क्या है फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन दे रही हूँ वैसे ही खुद के नोटबुक में लिखो आप चाहते हो कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो आई ट्राई बेस्ट टू रेवॉर्ड आई वोट से प्रॉपर रेवॉर्ट हो पाएगा डिपेंड्स आप ये वीडियो कब देख रहे हो

या yeah, अभी नहीं पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे देखा जाएगा नहीं अपनी पढ़ाई इमीडिएटली स्टार्ट करो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब आपको समझ में आ गया कुछ गलती हुई है वो गलती को रेक्टिफाई करेंगे रेक्टिफाई करने का कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है पढ़ाई स्टार्ट करना है किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें मैं बहुत जल्दी डिसंबर ट्वेंटी फोर के लिए स्ट्रेटेजी भी लेके आऊंगी बट एज ऑफ नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद योर सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे कुछ दिनों के लिए क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस कम हुआ हुआ है तो ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जो आपको क्या दे थोड़ी दिनों तक कुछ दिनों तक एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दे स्टार्ट विद द द बेस्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट यू लाइक बट स्टार्ट प्रिपेयरिंग डोंट टेक एनी सब्जेक्ट फॉर ग्रांटेड ये सबसे गलत हो जाएगा टाइम वेस्ट टाइम को ग्रांटेड मत लो कोई भी सब्जेक्ट को भी ग्रांटेड मत मतलब इको अच्छा लगता है इको से स्टार्ट करो अकाउंट्स अच्छा लगता है अकाउंट से स्टार्ट करो मैनेजमेंट अच्छा लगता है जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उससे स्टार्ट करो बट करो स्टार्ट प्रिपरेशन क्योंकि अभी आप एक दो तीन घंटा दो मैंने कह रही हूँ अभी आप रखोगे ना तो एक हफ्ते में आप में आ जाएगा पढ़ने का। लेकिन टाइम मत वेस्ट करो डिनाइल से पढ़ेंगे सेप्टेम्बर से पढ़ेंगे अगेन नाउ वो लिखना रह गया रेक्टिफाई करो एंड में लिख देती हूँ आई नॉट रिपीट उस गलती को वापस मत करो रिपीट मत करो रेक्टिफाई करो रिपीट मत करो वो स्टार्ट विद आर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत है अगर आप एक लास्ट रेंज में आयो वन सेवेंटी वन एटी वन नाइनटी के रेंज में हो ना आपको थोड़ी तो प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसको सॉल्व करो लिख लिख के सॉल्व करो कैल कैल कैसी टू कैसी सॉल्व करो बट उनको सॉल्व करो क्योंकि अगर आप उनको सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी स्पेशली टेस्ट देते रहो टेस्ट देने से आपको समझेगा कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो या आपको याद नहीं आ रहा है पैनिक कर रहे हो तो मेक श्योर sure, कोई भी रेंज हो वैसे तो आपके मार्क्स का आपने टेस्ट तो देने ही चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट डीमोटिवेटेड नहीं होना है किसी को देख के कंपेयर करके बिकॉज अगर इफ बी ऑनेस्ट ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू स्टार्ट बट स्टार्ट मोर इंटेलिजेंटली अब आप स्मार्ट वर्क करो स्मार्टली स्टार्ट करो एग्जाम देके दे चुके हो आपको मिल गया है एक एक्सपीरियंस अब इस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके अपनी पढ़ाई करो यूटिलाइज करके प्रैक्टिस करो यूटिलाइज करके टेस्ट टेस्ट दो नाउ यू हैव टू स्टार्ट मोर इंटेलिजेंटली मोर स्मार्टली यूजिंग द एक्सपीरियंस व्हिच यू हैव गेन एंड द लास्ट एंड वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट सेल्फ स्टडी करें क्या और हम कोई कोचिंग ज्वाइन करें या कोई क्लासेस दे बेटा बहुत डिपेंड करता है आपके स्कोर पे ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है जो मैं कहने आई हूं कि हमारी बैच स्टार्ट हो रही है तो बोलूंगी कि हमारी बैच स्टार्ट हो रही है लेकिन एंड में आई एम डन गिविंग यू द गाइडेंस सेल्फ स्टडी अगर आप करना चाहते हो अगर आप अच्छे खास मतलब आप क्लियर नहीं कर पाए लेकिन आप उस रेंज में हो मान लो वन नाइनटी की रेंज में हो वन एटी की रेंज में बिल्कुल थोड़ी सी कमी रह गई है अब सेल्फ स्टडी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है देखो चेक मार्क लगाने का क्या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है हाँ हमारे कॉन्सेप्ट की फुल अंडरस्टैंडिंग है क्या हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हम पूरा खुद से पढ़ेंगे तो हम क्लियर कर लेंगे यस इफ दैट इज द केस यू मस्ट गो विद द सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ स्टडी पे अगर आप जाना भी चाहते हो सो दिस इज आ यूट्यूब चैनल एंड यू ऑलरेडी नो आकाश अग्रवाल क्लासेस वर्क एक्सक्लूसिवली फॉर सी एम ए स्टूडेंट्स एंड बाई सीएमए स्टूडेंट्स एंड ओनली फॉर यू ऑल तो हमारा हर एक वीडियो हर एक कंटेंट सिर्फ तुम्हारे लिए होता है और अगर आपने सक्सेस बैच किए तो आपको पता ही होगा अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ए को जानते होंगे तो हमारे पास बहुत सारे प्ले है आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट की हम पिछले जून ट्वेंटी फोर के लिए उम्मीद बैच लिए थे सक्सेस बैच लिए थे मैराथन लिए थे बिच आप उसके पार्ट रहे होंगे कहीं ना कहीं आप मैराथन में ज्वाइन हुए होंगे उम्मीद बैच में हुए होंगे सक्सेस बैच में होंगे या मे बी आप रह गया होगा आपका करना लेकिन आपने स्कॉर नियर किया है आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है तो ये सारे के सारे प्लेलिस्ट है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे सीएमए का ये एक्सक्लूसिव चैनल है सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल है जहां पे आप लोग अगर ये वीडियो से पढ़ोगे तो जो जो चीजें क्लियर नहीं है जिसकी प्रैक्टिस चाहिए उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो मैम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मुझे लगता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका स्कोर काफी दूर है तो और आपको ऐसे लगता है कि हमको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरी है क्योंकि अब आपके जो फाउंडेशन के पेपर्स आ रहे हैं ना वो कोई केक वॉक नहीं आ रहे पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है डिफिकल्ट बोलूंगी कॉम्प्लिकेटेड बोलूंगी या फ्रॉम द टॉपिक आ रहा है ऐसे नहीं है कि कॉन्सेप्ट जो भी आपका टॉपिक है उसके पीछे के जो क्वेश्चन है डायरेक्टली वही आपके एमसी क्यू में आ रहे नहीं अब जो मुंह उठा के सिर्फ उतना ही पार्ट आप पढ़ रहे थे या कोई और पढ़ता होगा चैप्टर के पीछे का या पढ़ाता भी होगा उतना ही पार्ट पढ़ा रहे हो उतना ही पार्ट पढ़ रहे हो बट गए

कंसेप्चुअल पेपर था सिर्फ इतना उतना जो पढ़ के यहाँ वहां से गए रहेंगे अटके होंगे पक्का पेपर में कहीं ना कहीं नॉट एवरी स्टूडेंट बट सम ऑफ यू तो आपको ये फैक्ट समझना पड़ेगा कि आपको अपने इंस्टीट्यूट जो पेपर का लेवल कर रही है वो कंसीडर करके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा इनकेस एंड ओनली इन केस इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन सी ए फाउंडेशन बिक सी अगर अगर आप करना चाहते हो बिकॉज एक बहुत बड़ा रीजन है आप लोगों का ऑलरेडी पेपर है पंद्रह दिसंबर को यानी आपकी ड्यू डेट अनाउंस हो चुकी है फिफ्टींथ ऑफ दिसंबर आप लोगों का पेपर रहने वाला है फिफ्टीन दिसंबर को सेम बाकी का तो सब आप जानते हो ऑलरेडी और, और उसका एग्जाम फॉर्म भरने का आखिरी तारीख भी फिफ्टींथ ऑफ अक्टूबर है तो यू ऑल नो की एग्जाम इज नी और आपका ड्यू डेट आ चुका है अगर आपका ड्यू डेट अब आ चुका है तो आपका काम है पूरी तरह से पढ़ाई पे लगना अगर आपको ऐसे लगता है कि हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं आप बिंदास सेल्फ स्टडी से करो अगर आपको ऐसे लगता है कि हम लोगों को कोचिंग की जरूरत है तो आप कोचिंग से करो डिपेंड्स एंड ओनली इफ यू विश टू क्लियर द कॉन्सेप्ट अगर आप कोचिंग लेना ही चाहते हो तो आप लोगों का सीएम का नया बैच फुल फ्लेज बैच ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहा है एंड दिस बैच इज गोइंग टू बी फेस टू फेस एंड रिकॉर्डेड एडमिशन आर ओपन लिमिटेड ऑफ बिकॉज आपको बात समझनी पड़ेगी टाइम कम है फटाफट से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे डिसम्बर ट्वेंटी फोर के लिए अब मैं ए सी की बात कर रही हूं अब मैंने जो गाइडेंस वाला पार्ट था वो दिया अब मैं ए सी की बात कर रही हूँ आप ऑलरेडी जानते हो कि ए सी वर्क एक्सक्लूसिवली फॉर सी एम एसे ही नहीं सी एमए के इतने प्यारे प्यारे रिजल्ट हमारे बच्चे हम लोगों को उन लोगों के करियर में हम लोगों को प्राउड फील करवा के दे रहे हैं कि दे आर स्कोरिंग 300 में एन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है 200 में एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और इतने सारे स्टूडेंट्स जो क्लियर कर रहे हैं फाउंडेशन इंटरमीडिएट जो रैंक भी ला रहे ऐसे ही नहीं ड्यू क्रेडिट ए को जाता है बिकॉज हम लोगों का जो बुक्स है वो एक्सक्लूसिव फॉर सी में है जो हम लोगों का कंटेंट है वो सिर्फ सी एम हर शब्द में सी एम आपका पेपर पैटर्न समझ के जिस तरीके के एग्जामिनेशन अब आ रहे हैं वो सारी चीज़ें कंसिडर करके ही होता है

कि आप लोगों को पढ़ना उतना है जो आपके सिलेबस में है उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से आपका एग्जाम आता है तो अब वो ब्लफ uh, में मत रहना कि आप कुछ और देख के कुछ और क्लियर कर लोगे नहीं जिसका एग्जाम है वही कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को भी हम यही कहते हैं फाउंडेशन के लिए भी हम यही कहते हैं एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल इफ इट वॉज डू पुट इट इन द कॉमेंट बॉक्स इफ यू थिंक ये कोई क्वेश्चन मिस हो गया है आप लोगों को कोई और चीज़ पूछनी है आप वो भी कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हो डोंट गेट डीमोटिवेटेड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विद अ न्यू एक्सपीरियंस विद स्मार्टली इंटेलिजेंटली एंड ऑल द वेरी बेस्ट नाउथ्स ऑफ लफ फ्रॉम ये सी एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स अगर कोई क्लियर नहीं हुए तो उनसे तो जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो से उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले फैक्ट चेक मिले और वो भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें बाय बाए एवरी वन नाथ्स ऑफ लफ